हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन गट्टे की बहुत ही स्वादिष्ट और नरम सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 3/4 कप के करीब बेसन, या बारीक बेसन है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ आधी छोटी चम्मच, अजवाइन आधी छोटी चम्मच, हींग एक चुटकी, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच के करीब तेल। इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या दही नहीं डाला है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, यह गट्टा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अभी मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, तो जैसे जैसे हमें पानी की जरूरत होगी उस अनुसार हम पानी डालेंगे। तो वैसे मुझे लगता है पानी की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए डो फॉर्म में आ गया है और काफ़ी सॉफ्ट है ये। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो यह गीला हो जाएगा, और ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि यह नरम बना रहे। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। अब इसे हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बेसन हमारा और सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से बनाएंगे तो गट्टा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको हम रोल आउट कर लेंगे इस तरह से। इसका हमें लॉग बनाने हैं, तो इसे हम इस तरह से चिकना करेंगे। और ये देखिए एक हमारा लॉग बनकर तैयार हो गया है। बाकी सभी को हमें ऐसे ही बनाने हैं। ऐसा करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने बेसन के लॉग बना लिए हैं। अब इसे हमें पकाने हैं, इसको गर्म पानी में उबालना है। तो पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और आप देख सकते हैं अच्छी उबाल आ गई है। अब एक एक करके सभी गट्टे को डाल देते हैं, और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उबालेंगे जब तक कि बेसन अच्छे से पक ना जाए अंदर तक। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। और ये देखिए बेसन हमारा लगभग पक गया है। पकने के बाद यह तैरकर ऊपर आ जाएगा, और देखिए कितना सारा झाग निकला है। झाग निकलने का मतलब है कि हमारा बेसन अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। और इसे हम ठंडा होने के बाद ही काटेंगे, इसे गर्म में बिल्कुल भी ना काटें। और ये जो पानी है, या तो आप इसको फेंक दीजिए या फिर ग्रेवी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गट्टा हमारा ठंडा हो गया है, तो आइए इसे काट लेते हैं। और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या दही नहीं मिलाया है। इस तरह से बनाएंगे तो काफी सॉफ्ट गट्टा बनेगा। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही आराम से टूट रहा है और काफी सॉफ्ट है। आप इसको ग्रेवी में भी डालेंगे तो यह बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो मैंने गट्टे को काट लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है। आप चाहो तो बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हो। तो फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म करना है। जब कढ़ाई से धुआं निकलने लगे तभी इसमें हम तेल डालेंगे, और तेल को भी हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। अगर तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो गट्टा डालते ही नीचे चिपक आएगा। तो ये देखिए तेल और कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म था, इस वजह से हमारा गट्टा तले से लगा नहीं है। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। यहाँ पे यह स्टेप टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे फ्राई करना नहीं चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। और ये हमारा गट्टा फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया गट्टा बना है हमारा, और काफ़ी सॉफ्ट है ये। अभी तक नरम मुलायम बना हुआ है। देखिए बहुत ही क्रंची है।
तो चलिए अब हम ग्रेवी का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा और एक तेज पत्ता, दोनों को सौते करेंगे। इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, चारों को मैंने पीस लिया है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब प्याज को हमें अच्छे से पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है ताकि प्याज हमारा जल्दी कैरेमलाइज्ड हो। और ये देखिए प्याज का जो कलर है धीरे धीरे चेंज होने लगा है, और जैसे ही इसमें से जो वाष्प बनना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाल मिर्च मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिया है ताकि ये मिर्ची पाउडर हमारा अच्छे से भुन जाए। और प्याज हमारा भुन गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टमाटर जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है जब तक यह सॉफ्ट और मुसी ना हो जाए। तो इसे हम बिना ढके हुए ही पकाएंगे। और ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि मैंने नमक पहले ही डाल दिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच करीब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, किचन किक मसाला 1 चम्मच। मसाला डालने से पहले आप फ्लेम को लो कर दें, उसके बाद ही मसाले को डालें। और मसाले डालने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला ड्राई हो गया है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले को हम और अच्छी तरह भून सके। तो इसे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए और भूनेंगे जब तक कि मसाले से जो ऑयल है वो निकलने ना लगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाला हमारा काफ़ी हद तक भून गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर हम डाल देते हैं फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम में मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया है क्योंकि काफ़ी गाढ़ा था। और ये मसाला हमारा लगभग तैयार हो गया है। ऊपर से मैं डाल देती हूँ गरम मसाला आधी छोटी चम्मच और कसूरी मेथी जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये हमारा मसाला तैयार है और कलर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ 2 से 2.5 कप के करीब। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ग्रेवी को हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें उबालना है तो इसे ढक देते हैं क्योंकि गट्टा डालने के बाद ग्रेवी बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। वैसे ही हमारा गट्टा काफ़ी सॉफ्ट है और ये ग्रेवी हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं गट्टा और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ग्रेवी गट्टे के अंदर तक चला जाए। तो इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और ये देखिए हमारा शानदार सा बेसन गट्टे का सब्जी बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और जैसे जैसे यह ठंडा होगा ग्रेवी इसका उतना ही थिक होते जाएगा। तो आप इसे इसी कंसिस्टेंसी पे उतारे, ऊपर से डाल देते हैं धनिया पत्ती और ये हमारा यमी सा शानदार बेसन गट्टा की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चावल पराठे या पूरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी आसान है। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।